नमस्कार, आधा फुल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मानव और ये है मेरी दोस्त नेहा। नेहा, अखबार घर से पढ़ के आती तो अच्छा होता ना। अगर घर से पढ़कर आती तो जो बताना है वो कैसे बताती मानव? क्या बताना है? तुम्हारी शादी हो गई है ना? हाँ हाँ, कुल मिला के एक बार तो हो गई है। क्या बताना? तो तुमने अपनी शादी में ऐसा विज्ञापन दिया था क्या, लड़की चाहिए सुंदर और सुशील और उन सबसे बढ़कर गोरी? गोरी? गोरी रंग देख के कौन शादी करता है? पर यही तो होता है मानव, ये आधा फुल की पूरी कहानी देखो, सब समझ में आ जाए। अम्मा ये देखो, MBA वेल सेटल्ड लड़के के लिए मधु चाहिए। गोरी, लंबी, पढ़ी लिखी, सुंदर लड़की के माँ बाप नीचे पते पर लिखे हैं। ऐसे तो सावली लड़कियां घर में बैठी रह जाए। यार मेरा तो रोज रोज जाने का मन करता है, मैं तो सोचता ही यही हूँ हमेशा। गायत्री, एक बार में तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती नहीं है ना। एक तो काली, ऊपर से काला खट्टा खाकर धूप में घूम रही है। क्या रख, काला खट्टा रख। क्यों, काला खट्टा नहीं खाऊंगी तो गोरी हो जाऊंगी क्या? इससे ना कोई बहस करवा लो, जाके अपना मुंह देख। हाँ दादी, कुछ भी कह देती हैं आप। जो दिखाई दे रहा है वो ही कह रही हूँ। काली है कि नहीं बोल, है ना काली? ऐसे में इसकी शादी कैसे होगी? मरने से पहले इसकी शादी हो जाए ये इच्छा ये पूरी नहीं होने देगी। दादी, रोज रोज हमारे घर में सिर्फ एक ही बात है, हमें साबू से कोसती रहती है, थकती नहीं है क्या? और क्या कमी हमारी बहन में, बताइए आप जरा। चुप कर श्रवण, दिखाई नहीं देती कोई कमी, पूरी दुनिया को कमी दिखाई देती है, लेकिन तुम भाई बहन को कोई कमी नहीं दिखाई देती। करिश्मा को देख, उसमें और इसमें दिन और रात का फर्क है। सही कह रही अम्मा, कुछ सीख करिश्मा से। तुझे पता है तेरी शादी में कितने पैसे दहेज देना पड़ेगा? काश मेरी भी पोती वैसी होती तो मेरे तो भाग खुल जाते, कम से कम मरने से पहले उसकी शादी तो देख लेती। अरे दादी के कुछ नुस्खे सीख लेगी तो बहुत सारा पैसा बच जाएगा। क्यों देंगे हम दहेज, बताइए? हमें उस घर में शादी करनी नहीं है जहाँ इंसान से ज्यादा पैसों की कदर हो। और पापा, वैसे भी दहेज तो इनलीगल है ना, हम गायत्री की शादी वहाँ करेंगे जहाँ गायत्री की रिस्पेक्ट हो। असलियत में लौटा बेटा, ये सब किताबी बातें हैं। और पापा, किताबें कभी झूठ नहीं बोलती, आप देख लें। कोई मन भी देखेगा कि सब रंग ही देखेंगे, बस बहुत हो गया अब। करिश्मा को कभी कभी देख के मैं सोचती हूँ कि अगर ये गोरी नहीं होती ना तो करिश्मा नहीं होती। ये तो भाई ही बता सकते हैं। मतलब आधी से ज्यादा डांट ना मुझे इसी की वजह से मिलती है, करिश्मा ऐसी है, करिश्मा वैसी है, तो इसमें मैं क्या करूँ? पर नाश्ते में डांट खा के आई है। हाँ डांट खा के आई। करिश्मा, तुमने जो वो नाटक में काम किया ना, एकदम परी लग रही थी तुम, है ना? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ना कमाल का किया। वैसे अखिल अच्छा लग रहा था लेकिन उससे ज्यादा नहीं, है ना? तुम दूध से मुंह धोती हो क्या? इतनी फेर कैसे हो? अगर दूध से मुंह धोने से ऐसा होता तो जाके भैंस को नहला के देख लो, पता चल जाएगा। वैसे करिश्मा, तुमने अप्लाई किया है ना वो मॉडल हंट? आई एम श्योर गॉर्जियस कंपनी की मॉडल तुम ही बनोगी, तुम में है वो बात, लिख लो। अर्ज किया है, मॉडल तुम ही बनोगी, बाकी हजारों में कोई नहीं।
मॉडल तुम ही बनोगी, बाकी हजारों में से कोई नहीं, क्योंकि चांदनी तो चांद से होती है, सितारों से नहीं। वाह वाह, चांद में तो दाग होता है ना, करिश्मा में तो कोई दाग नहीं है, कुछ भी बोलता है। तो सही है ना, गायत्री और करिश्मा को साथ में खड़ा कर दो, चांद भी मिल जाएगा और काला दाग भी। अरे परफेक्ट, शाबाश। गायत्री, गायत्री, क्या बकवास है ये? क्या मैंने कुछ नहीं कहा? तूने हंस दिया ना, उतना काफी है। जो भी नुकसान करना था कर दिया तुम लोगों ने, मतलब कुछ भी बोलोगे क्या? गायत्री, गायत्री क्यों ध्यान देती हूँ उनकी बातों पे? मत ध्यान दिया कर। देती नहीं हूँ यार, ध्यान अपने आप चला जाता है। मेरी गलती है क्या मैं काली हूँ तो? वो लोग पागल है, अकल नहीं उनमें, इग्नोर क्या करूँ उनकी बातों को? किस किस को इग्नोर करूँ, सिर्फ ये रंग ही दिखाई देता है सबको। क्या प्रॉब्लम है तेरे कलर में? मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, ना तारा को दिखाई देती है, ना अदरक को दिखाई देती है। अब सबका कलर एक जैसे थोड़ी होता है। अब मुझे देख, मुझे देख, मैं कौन सी इतनी गोरी हूं? मैं ध्यान देती हूँ क्या दूसरों की बातों पे? इग्नोर करती हूँ उन्हें? देख गायत्री, एक बात ध्यान में रखो, सब अपने अपने में बेस्ट है। अभी ये आंसू पोंछ और स्माइल कर। ये चांद सा मुखड़ा, तो क्या है अदरक? तेरे बाल। भाई मॉम के लिए क्रीम चाहिए यार। अभी ला देता हूँ भाई। फुलान, फुलान निकी। क्या आप गोरे हैं? व्हाइट व्हाइट सफेद, क्या आप काले हैं? एक्सक्यूज मी, व्हाइट ब्लैक गोरा काला, ये तो रंग होते हैं ना, इंसान तो इंसान होता है राइट? तो फिर ये क्या गोरा क्या काला? स्किन को बीमारी बताते हैं और फेयरनेस क्रीम को इलाज। कोई कहे आपको आपका रंग ऐसा है वैसा है, हैं? कान मत लगाइए, दिल पे तो बिल्कुल मत लीजिए, कुदरत का हर रंग सुंदर है, है। कॉन्फिडेंट रहिए, अंदर से फील करेंगे ना तो ब्यूटीफुल तो नेचुरली फील हो ही जाएगा। और हर रोज आईने के सामने खड़े होकर कहिए, आई एम द बेस्ट। क्रीमें बेकार है भाई, आरजे निक्की कह रही तो सही होगी ये बात। क्या बोलती है ये? सब बकवास बोलती है ये। अच्छा है, कंट्रोल अदरक, कंट्रोल। भाई किस बात का कंट्रोल? सब कहने वाली बातें, सब लड़की गोरी नहीं होगी, मैं तो शादी करूंगा नहीं उससे, शादी तो दूर की बात है, गर्लफ्रेंड भी ना बनाऊं मैं इसको। और ये आरजे बेवकूफ बनाती है लोगों को। तू बताएगा आरजे निक्की को? काले भबके, रुक कभी ये ले, तू बताएगा? अबे खुद तो तेरी शकल चूहे जैसी है, काले सकाल, तू बताएगा? हे भगवान, क्या किया तूने? हट पीछे हट। रुक, मैं अपने पापा से तेरी शिकायत करता हूँ। मैं जा फूफा से कर दे, जा चल निकल। तू कर पागल, बेटा तू जा, मैं देखती हूँ उसको। Yes. अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, मैंने भी खाया। दादी। क्या? अरे खा, खाने के लिए। दादी क्या है? एक मिनट, अभी क्या किया था तूने? वापस करना? क्या हुआ भैया? अब फिर एक बार करना वापस? नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, कर एक बार, उड़ कर। ये अभी इधर आ, इधर आ। थोड़ा सा। ये देख कितने अच्छे फोटो आ रहे। इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो ना भैया। क्यों? अरे मेरी बहन, तू कितनी अच्छी लग रही है और सबसे ब्यूटीफुल भी लग रही है। सिर्फ आपके लिए भैया,
बाकी सबको तो सावली पक्के रंग की या काली लगती हूँ। ये गोरे रंग से सबको इतना प्यार क्यों है भैया? अरे जिनको है वो घर पे रखे अपना प्यार, तू क्यों सुनती है सबकी? एक बार इग्नोर कर दू, दो बार इग्नोर कर दू, लेकिन बार बार कैसे? मुझे नहीं बनना किसी के जैसा। एंजॉय। फिर से काला खट्टा। कितनी बार कहा काला खट्टा मत खाया कर, तू करिश्मा जितनी गोरी इस जिंदगी में कभी नहीं लग पाएगी। ये ले उपटन, अपने मुंह पे लगा ले, थोड़ा सा रंग तेरा हल्का हो जाएगा। मैं नहीं लगाऊंगी। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, अरे घर में बैठी रहेगी क्या? ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? मरने से पहले तेरी शादी देखने की इच्छा रखती हूँ मैं। मैं काली हूँ क्योंकि आप काले हो, पापा काले हैं, आपकी हुई थी ना शादी। क्या बोल रही है तू? हाँ दादी, आप कैसी बात कर रही हो उससे? अच्छा मैं बात कर रही हूँ, ये कुछ भी नहीं कह रही है। अगर ये जरा सी सुंदर लग जाएगी तो कोई बुराई है क्या उसमें? आपको मैं सुंदर नहीं लगती ना, सुंदर कौन होती है? मॉडल्स ना, अब मैं मॉडल ही बन के दिखाऊंगी। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, मॉडल बनेगी? अरे तेरी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। ये उपटन लगा, उपटन पहले अपने चेहरे पे। श्रवण तू मेरे साथ चल, मुझे कुछ काम है। चुपचाप उपटन लगा लेना, एक घंटे के बाद फिर आके देखती हूँ मैं। दादी चल तू मेरे साथ। हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, इसका जवाब अपनी आवाज में वीडियो बनाकर अपलोड करें? अरे क्या हो रहा है सब, क्यों हंस रहे हो? माथा क्या है फोन में दिखाओ। ये सब किसने किया? किसका फोन है ये? सर ये नोटिस बोर्ड पर हर जगह लगा हुआ था और स्कूल के बाहर दीवार पर भी। अब बेटा करिश्मा तुम मेरे साथ आओ, और वरुण तुम स्टाफ रूम में आओ, पीएन को बोलो ये सारे पोस्टर्स निकाले अभी के अभी। जी सर। और तुम सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ, चलो जाओ क्लास में। एक बार पूछूंगा और एक बार में ही सही सही बता देना कि
ये सब किसने किया? ज़बान खोलेगा? वरुण, ये सब तुमने किया है? नहीं मैम, मैंने सब कुछ नहीं किया। मुझे तो ये मेरा मतलब है, मुझे तो ये सब व्हाट्सएप में आया था। मैम आप खुद देख लीजिए। और मैम ये सिर्फ मुझे नहीं, उन सब स्टूडेंट्स को आया है। मैं सच कह रहा हूँ मैम। करिश्मा तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये किया है अगर वो स्कूल से है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और देखा जाए तो इसमें तुम्हारी भी गलती है। सब पर दिन दिन भर लड़कों के साथ में बैठ के खिकी 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 करके हंसती रहती हो। अब क्या पता किसके मन में क्या चल रहा है। तो क्या मास्टर आप इस डर से बात करना बंद कर दे? सावधानी तो रख सकती है ना। करिश्मा मुझे ये बताओ कि जिस किसी ने भी तुम्हारे इन फोटोज को खराब किए हैं उन तक ये फोटोज पहुंचे कैसे? मैम फेसबुक पे शायद, क्योंकि मैंने वहीं अपलोड किया था। फेसबुक पर प्राइवेसी सेटिंग होती है, तुमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? फेसबुक पे मैं भी फोटोज अपलोड करती हूँ, पर कौन उसे देख सकता है कौन नहीं देख सकता है ये मैं सेट करती हूँ। रोशनी जी बिल्कुल सही कह रही है, तुम आजकल के विद्यार्थी भी ना बहुत लापरवाह हो गए हो। अरे समझदारी के साथ जीना कब सीखोगे? सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा रोशनी जी, ये फोटो के साथ में छेड़छाड़ किसी ने कैसे की होगी? कंप्यूटर से। आपका मतलब है कि जिसने भी ये किया होगा उसे कंप्यूटर के बारे में और वो क्या कहती हैं आपको मल्टीमीडिया उसके बारे में उसे पूरी जानकारी हो। मतलब हो सकता है ऐसा हो, लेकिन सबसे पहले हमें उन स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करना होगा जिनके घर में कंप्यूटर है, जिनका कंप्यूटर पे अच्छा खासा कमांड है। तारा मैम, मेरा मतलब है कि तारा बता सकती है, क्योंकि सेम इंटरेस्ट वाले बच्चे ज्यादा बात करते हैं आपस में। तारा ये सब बहुत इजी है, आप लोगों को याद है AMD भी फोटोज के साथ ऐसी छेड़छाड़ करते थे। फोटोशॉप पे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा और बाकी सॉफ्टवेयर भी हैं इसके लिए। तारा मुझे ये बताओ कि हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर है? हमारे क्लास से तो कोई नहीं है, पर शायद गायत्री को पता हो, वो कंप्यूटर क्लासेस भी जाती है और उनके घर पे भी कंप्यूटर है, और सीनियर स्टूडेंट्स के बारे में उन्हें हमसे ज़्यादा पता होगा। हाँ तो गायत्री तुम्हें क्या लगता है कौन कर सकता है? सर ये तो कोई भी कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। कैसे? करिश्मा के फोटो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक से डाउनलोड करके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर एडिट कर सकते हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि हमारे स्कूल में ये कंप्यूटर पे एडिट वेडिट कौन अच्छा कर सकता? नहीं सर मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, वो जो भी है अगर इस स्कूल से तो उसे तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा और ऐसी सजा दूंगा उसे मैं कि आइंदा ऐसा मजाक करने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा। सर मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं जा सकती हूँ? तुम जाओ। हरिओम जी आपकी बात बिल्कुल सही है, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, इसकी तो बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे किसी की फोटो के साथ में भद्दा मजाक करके ऐसे नेट पर डालना ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, पर मुझे लगता है ये किसी विद्यार्थी ने ही किया होगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट? जी हाँ, अब स्कूल का मामला है, किसी विद्यार्थी ने ही ऐसी मजाक में। आप इसे मजाक कह रहे हैं? किसी ने करिश्मा की इमेज के साथ खिलवाड़ किया है। नहीं नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन स्कूल की रेपुटेशन का मामला है आप समझ सकते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर आप बस हम पर ट्रस्ट कीजिए, इस मामले को हम अच्छी तरह से डील करेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्लीज स्कूल की रेपुटेशन का मामला है। प्लीज सर। ठीक है, अगर आप लोग पता नहीं लगा पाते हैं तो फिर मुझे दखलंदाजी करनी होगी। मैं एक पुलिस ऑफिसर के साथ साथ करिश्मा का बाप भी हूं। करिश्मा पुलिस क्यों? अब वो
पापा ने बोला है कि मेरी सेफ्टी के लिए हमेशा मेरे साथ रहेगा। देख करिश्मा, आज फिर से तुझे हमारी जरूरत पड़ेगी, बट डोंट वरी, मैं बिल्कुल भाव नहीं खाऊंगी। भले ही मेरे बालों में मिट्टी हो, पर मैं तेरी हेल्प करूंगी। ऐसे भी तू किट्टी की दोस्त तारा के भाई प्रिंस की खास दोस्त है ना, इसलिए। अच्छा वैसे आपको किसी पे शक है? अगर है तो आप उसका नाम बता दीजिए ना। हाँ वैसे भी तेरे काफी दुश्मन होंगे। पर करिश्मा के दुश्मन क्यों होंगे? यार मुझे तो लग रहा है हम अपनी गाड़ी गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ऐसा कि क्या पता करिश्मा ने किसी को रिजेक्ट किया हो और उसको बात अच्छी नहीं लगी और वो इस चीज का बदला ले रहा हो कि जैसे कि बेटा बहुत घमंड था ना तुझे अपनी खूबसूरती पे, ये ले तेरी फोटो एडिट कर दी, और मतलब ऐसा कुछ हो तो सकता है। तो फिर सोचना किसने किया होगा। हाँ सोच के नाम बताना, बाकी हम देख लेंगे। वो एक लड़का था ना शिव नाम का, याद है दूसरे सेक्शन का? शिव, अरे वो एक काला सा लड़का था ना। वो काले गोरे के अलावा उसकी कोई और पहचान नहीं है क्या करिश्मा? अरे यार तू चुप कर, वो समझ गई है ना कितनी। हाँ हाँ शिव जानती हूँ मैं उसे। वो एक्चुअली एक बार मैंने मजाक मजाक में उसको कोयला बोल दिया था, उसके बाद वो फिर कभी नहीं आया मेरे पास। यार ऐसे कैसे पास आएगा, मतलब कोयला बोल दिया किसी को? यार हीरा भी ना एक कोयला ही होता, आपने गलत किया करिश्मा। तारा कोई बात नहीं, तू उससे जाके सॉरी बोल देना ओके। लेकिन अभी कोई और? अब करिश्मा किट्टी एक सेकंड, करिश्मा याद है दीपक जिसे पकड़ा था हमने, जो लेटर्स लिख के तुम्हारे बैग में छोड़ के जाया करता था वो? हाँ वो दीपक, वो तो बिल्कुल पागल था। तो पक्का फिर वो दीपक ही होगा, क्योंकि जब हमने उसे पकड़ा था वो तुम्हें धमकी दे गया था कि वो करिश्मा को देख लेगा। ठीक दीपक और शिव से जाके पूछताछ करते हैं। चलो। अरे करिश्मा तुम कहाँ आ रही हो? तुम जाओ हम सब संभाल लेंगे। अरे भाई साहब वो चाय बनाओ यार। ओके बाय बाय। देखो मान लो कि तुम्हें ने करिश्मा की फोटोज खराब करके उन्हें अपलोड किया है। हमें सब पता चल गया है, जाके बताया तेरी मम्मी को? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खुद फोटोज को देखकर शॉक हो गया था। किट्टी ऐसे तो मानेगा नहीं। अरे मान ले भाई मान ले, प्यार से बता रहे मान ले। प्लीज ऐसा मत कर, छोड़ उसे। मैं ऐसी थी भर के तो नहीं करता। वो तो हमने उसी दिन देख लिया था जिस तरीके से तुमने करिश्मा से बात की थी, ऐसे तो मानेगा नहीं। अभी डिसाइड करते हैं। मान जा भला, मान जा भाई, मान जा प्यार से बोल रहे, मान जा। क्या यार प्रिंस नहीं मान रहा, खड़ा हो। अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई। अच्छा प्यार से बोल रहे, मान जा प्रिंस। समझ प्रिंस? नो मान जा, मैं बोल रहा हूँ। सॉरी यार करना पड़ता है ये सब कभी कभी। मैं तो काफी दिनों से बीमार था। 2 हफ्ते हो गए बीमार है। अच्छा वैसे चिकनगुनिया में बहुत कमजोरी होती होगी ना? सारा खून तो मच्छर ही चूस लेते होंगे, कोई दीन ईमान थोड़ी है इनका। एक मच्छर आदमी को ही बीमार बना देता है। सफाई रखनी चाहिए घर में, देश आजाद है। आप पूरा रिकवर होके स्कूल आइएगा। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, गेट वेल सून टू यू। थैंक यू। अच्छा वैसे आप बोर हो ना तो आप कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं और इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हैं। कहाँ मेरे पास कंप्यूटर है। ये ले उपटा, अपने मुंह पे लगा ले, थोड़ा सा रंग तेरा हल्का हो जाएगा। गायत्री और करिश्मा को साथ में खड़ा कर दो, दांत भी दिख जाएगा और खाला धाक भी। परफेक्ट। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अरे घर में बैठी रहेगी क्या? ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? तू मॉडल बनेगी। तेरी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाती। क्यों दिखाई दे रहा है? वो ही गायत्री और करिश्मा को शादी में दांत भी मिल जाएगा और खाला धाक भी। मरने से पहले तेरी शादी हो जाए। मॉडल तुम ही बनोगी, बाकी हजारों में से कोई नहीं, क्योंकि चांदनी तो चांद से होती है, सितारों से नहीं। वाह वाह। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे सभी क्लासमेट से मैं पूछताछ करूंगा।
कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिल जाए, एक गलती और पकड़ा जाए। It's okay, पापा, मैं ठीक हूँ। तो कैसा रहा आज का दिन स्कूल में? अब इस घटना के बाद करिश्मा को तो कोई नहीं पूछने वाला, और ये रोज रोज की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। हाँ, उसे देख के हंसेंगे जरूर लोग, और जो लोग तुम्हें उसका नाम लेके चिढ़ाते थे ना, उससे भी छुटकारा मिले। चलो खाना तैयार है, खाना खाने के लिए आ जाओ। ना शिव निकला ना दीपक निकला, अरे है कौन? देश आजाद है, कोई तो होगा, कहीं तो होगा। देखो, अगर करिश्मा को प्रपोज करने वाले लड़कों को पकड़ने लगे ना, तो मिल गया वो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये किसी लड़के ने किया हो? पर कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी? कोई लड़का भी ऐसा क्यों करेगा? लड़कों के पास वजह हो सकते हैं, यू नो। वजह तो लड़कियों के पास भी हो सकती है। रोशनी जी, अब जजमेंटल हो रही है। हमें ना पहली वाली थ्योरी सही लग रही है। यार ये करिश्मा की इमेज कोई सही में खराब करना चाहता है क्या? मतलब कोई सही में चाहता है कि बेचारी मॉडल हंटर ना जीते? वैसे आजकल कंपटीशन का जमाना है, हम बातों बातों में दो लोगों को कंपेयर तो कर देते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन कब कंपटीशन बदल जाए पता नहीं चलता। आपका कभी किसी से कंपटीशन हुआ है? हुआ है ना। किससे? खुद से। किसी और से कंपटीशन कब जलन में बदल जाए पता नहीं चलता, और आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जलन में कब कौन किससे कैसे बदला ले कुछ कह नहीं सकता। कैसे पकड़ेंगे उसे, कैसे? अदरक तू कोई जुगाड़ निकालना। अरे यार, ये कंप्यूटर और इंटरनेट ना, ये मेरे आउट ऑफ कोर्स है। पर तो हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये केस सॉल्व होगा ही नहीं कभी। अरे यार ऐसा मत बोल, आधा पुल के नाम पे ना अदरक कलंक नहीं लगने देगा। टाइम क्या हो रहा है? 7:30 बज गए तारा। जा जा रहे। हाँ। मैं जा रहा हूँ। चल चल चल। डियर सर, हमें पता है करिश्मा की फोटो के साथ छेड़छाड़ किसने की है। करूं, बता दिया तो पता नहीं क्या होगा, शायद स्कूल से निकाल दे, और घर की इज्जत। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बता सकती। नो, शिव नहीं है, दीपक नहीं है। भैया एक गिलास चाय। कौन सा है? दिमाग लगा सकती, एक केस सॉल्व होना चाहिए। केस सॉल्व कर चुकी है सर, एक ही केस सॉल्व कर। कौन हो सकता है ये, कौन हो सकता है? Excuse me. Any problem? नहीं, वो एक्चुअली मैंने आपकी बातें सुनी थी, आप वो कुछ केस के बारे में बात कर रहे थे, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आपसे मतलब? मतलब क्या, मैं तो इससे बात कर ली कि शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। आपको बदलीपुर में पहले तो कभी नहीं देखा, आप बदलीपुर से हैं? नहीं। इसका मतलब यहाँ आपको कोई नहीं जानता, और आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं। क्यों? क्यों मतलब, जैसे आज आप प्रॉब्लम में, कल को अगर मैं प्रॉब्लम में हूँगा तो आप मेरी हेल्प करेंगे, जैसे आज मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। सिंपल, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आपके यहाँ पतलीपुर का पता नहीं। अरे इतनी टेंशन मत लीजिए, यू कैन ट्रस्ट मी,
शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। आपने क्या कहा, बदलीपुर में नए हैं, है ना? ठीक है, मेरी प्रॉब्लम, मेरे स्कूल में ना एक लड़की है जिसकी फोटोज ना फोटोशॉप होकर पूरे स्कूल में सर्कुलेट हो रही है, जिसकी वजह से उसकी बहुत इंसल्ट हो रही है। तो बस हम ये जानना चाहते हैं कि इन सबके पीछे कौन है, तो ये पता लगाने के लिए शायद मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ, पर कैसे? उसके लिए आपको मेरे स्कूल आना। पर आइडिया क्या है? देखिए, आप मेरे स्कूल में आएंगे एक आईटी एक्सपर्ट बनकर, और आप सबसे कहेंगे कि आपने पहले भी ऐसे बहुत से साइबर क्राइम सॉल्व किए, तो आप ये भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। शायद पकड़ने के डर से वो अपना मुंह खुद ही खोल दे। आइडिया तो अच्छा है, पर यू थिंक ये काम करेगा? लास्ट चांस है, मार के तो देखना पड़ेगा। आप करेंगे ना मेरी हेल्प? करो। बाय द वे, मायसेल्फ अर्जित। किटी। आइए। एक्सक्यूज मी रोशनी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, तब बैठ जाओ। ये वो नया टीचर है? नहीं यार, मुझे तो फिल्म का हीरो लग रहा है। तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कम से कम कोई बाहर का आता है तब तो डिसिप्लिन बना के रखो, कभी भी चे शुरू हो जाते हो। बच्चों, मैं आप सबको इनसे मिलवाना चाहता हूँ। ये है मिस्टर गोविंद संपत। बच्चों, ये शहर के पास ही आए थे, इंस्पेक्टर हरिओम ने उन्हें करिश्मा के केस के बारे में बताया, तो एक केस सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आ गए। ये किसी भी केस को यूं चुटकियों में यूं सॉल्व करते हैं। मुंबई में जो बैंक की वेबसाइट हैक हुई थी उसे इन्होंने 24 घंटों में सॉल्व कर लिया था। अब करिश्मा का केस भी यही हैंडल करेंगे। वो जो कोई भी हो बच नहीं पाएगा, आपको इन्हें सपोर्ट करना है, और जो भी ये सवाल पूछेंगे उसके सही सही जवाब देने। ठीक है? Yes, sir. कौन कर रहा है इसका पता लगाना तो बहुत जरूरी है। जिस कंप्यूटर से वो फोटोज भेजी गई थी उसके आईपी एड्रेस का पता चल चुका है, और बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन है वो। बहुत अच्छी बात है, आइए आप आइए। सुनो 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 गाइस, एक गुड न्यूज है। मिस्टर गोविंद ने जिस कंप्यूटर से फोटो भेजी गई थी उसका आईपी एड्रेस पता लगा लिया है, मतलब अब आसानी से पता चल जाएगा कि वो कौन है। गायत्री, तू तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गेट आउट, निकल जाओ मेरे स्कूल से। तू तो वैसे भी काली थी, अब परिवार के नाम पे भी काली पोत दी। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैसे भी काली थी, परिवार के नाम पे भी काली पोत दी। ये साल जाने दो, कैसे भी चलाओगे क्या? सड़क का अपने नाम पे विजिटिंग कार्ड बना लेते हैं। तू ठीक है ना? वे यार देख, तेरी वजह से तो उसे मैंने खामा खाई गाली दे दी। गलती तो तेरी भी थी, मैं जरा सी देर में जान चली जाती। रोज रोज मरने से तो अच्छा है ना कि एक ही बार मर जाओ। तो भाई क्या हो गया ऐसा? वो करिश्मा की फोटो। अदरक, क्या हुआ? अचानक क्यों बुला लिया? गायत्री यहाँ क्या कर रही है? गायत्री तुम लोगों से कुछ कहना चाहती है। आओ बेटा। ऐसा क्या कहना चाहती है कि हमें यहाँ बुला लिया? सॉरी, सॉरी कहना चाहती हूँ। सॉरी? किस बात के लिए सॉरी? वो करिश्मा की फोटो से छेड़छाड़ मैंने ही की थी। What? ये सब तुमने किया है?
इस तरह से किसी को परेशान करना, उसके फोटोज के साथ छेड़खानी करना और ऐसे पोस्ट करना, इट्स अ क्राइम। पता है ना तुम्हें, तुम एक लड़की हो ना गायत्री, खुद एक लड़की होकर एक लड़की के साथ ये किया तुमने, तुम्हें पता है इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या करती मैं चाहती थी करिश्मा को भी फील हो कि उसकी वजह से मुझे कैसा फील होता है रोज। और क्यों गायत्री, क्यों किया तुमने ये सब? एक तो काली, ऊपर से काला खट्टा खाकर धूप में घूम रही है, करिश्मा को देख, उसमें और इसमें दिन और रात का फर्क है। कुछ सीख करिश्मा से, तुझे पता है तेरी शादी में कितने पैसे दहेज देना पड़ेगा? गायत्री और करिश्मा को साथ में खड़ा कर दो, फिर चांद भी दिख जाएगा और काला दाग भी। तू करिश्मा जितनी गोरी इस जिंदगी में कभी नहीं लग पाएगी। आ गया मुझे गुस्सा और फिर उसकी फोटो को एडिट करके मैंने सबको भेज दी। देख गायत्री, हम समझते हैं तुझे बुरा लगा, तुझे क्या किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन हम सब में करिश्मा की क्या गलती? कितनी गलती हम सबकी है। हम सबकी? हाँ, अरे गोरा होने के लिए हम लोग क्या क्या कुछ नहीं करते हैं। मैं खुद यहाँ ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती हूँ गोरा होने के लिए। बैठते बेटा, फेयरनेस क्रीम से कुछ नहीं होता है। अरे अगर चेहरे पे ग्लो चाहिए, अच्छा दिखना है तो खाओ, अच्छा खाओ बस। हमारे ऊपर लोगों की बातों का इतना असर हो गया है ना कि हमें सिर्फ वही सुनाई देती है। और गायत्री ने लोगों की बातें सुनकर खुद को परेशानी में डाल दिया और फिर आप तो वही बन गई ना जिससे आपको खुद से नफरत है। मुझे पता है, पर अब क्या करूं, गुस्से में हो गया। आप प्लीज गोविंद संबची से बचाइए ना मुझे, मुझे जेल नहीं जाना। रो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैम प्लीज बचा लीजिए मुझे, हम सब लोग हैं ना, कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ, पहले मुंह धो जाके। तुमने क्या किया? कंप्यूटर हमारी सुविधा के लिए होता है, क्राइम के लिए नहीं। पर इसने अपनी गलती मान ली है माद साहब। इसके गलती मान लेने से इसकी गलती की सीरियसनेस कम नहीं हो जाती? सजा तो उसको मिलेगी, जरूर मिलेगी। गायत्री ने कुछ नहीं किया है सर। तुम कौन और अंदर कैसे आ गए? मैं गायत्री का भाई, जो किया मैंने किया। सर प्लीज आप इनकी बात मत सुनिए, सब कुछ मैंने किया है, मेरे भाई है इसलिए वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गायत्री ने कुछ नहीं किया सर। मजाक चल रहा है क्या ये? कभी इसने किया, कभी उसने किया है, किसने किया ये? मैं कह तो रहा हूँ मैंने किया है। चुप करो भैया। चुपी तो था अभी तक, मैं अपने घर पे किसी का मुंह बंद नहीं करा पाया। मुझे लगा कि करिश्मा को देखकर सब हंसना शुरू करेंगे तो रोज रोज वाली कंपैरिजन की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। पर अब मुझे बचाने के लिए ये इल्जाम खुद पर लगा दी। बच्चे अगर गलती करें तो पेरेंट्स को तो इसका पता लगना ही चाहिए। श्रवण, मार्ट साहब जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? ये क्या कर दिया, नाक कटवा दी तुमने हमारी। बड़ी लंबी नाक है आपकी, बात बात पर कट जाती है। अरे मुझे तो ये जब पैदा हुई ना इसका रंग देखकर ही मैं समझ गई थी कि एक दिन ये दुख देगी। श्रावण तूने इसी के लिए सब कुछ किया है ना? दादी जी, उम्र तो आपकी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन माफ कीजिएगा, बात आप बहुत छोटी करती है। सच करती हूँ, काली है, आपको क्यों नहीं दिखता? हाँ नहीं दिखती है। काश आपको भी ना दिखाई देती। अरे इंसान के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं रंग के सिवा। आप लोग जो ये बात बात पर इसे ताने मारते हैं, इससे इसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जैसे तैसे अपने कॉन्फिडेंस को ये समेटती होगी कि उसे बाहर वही सारी चीजें फेस करनी है। बात बात में काली है, बात बात में कंपैरिजन, ये लड़की है, जिंदा है, कोई कार नहीं है जो आप रंग देखकर पसंद करेंगे। जो कहा उसके भले के लिए कहा। बस बहुत हो चुका भला माँ, अब रहने दो,
अपनी पोती को नीचा दिखाने में क्या भलाई दादी? क्या मेरी सारी अच्छाई मेरे काले रंग के पीछे ही छिप जाती है? बेटा, माफ करने के लिए कहूंगा तो माफ कर दोगी ना? पर श्रवण ने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। हरजीत, क्या नाम है भाई? ए, वहां क्या गोविंद संपत बन के छोड़ दिया था? बाय द वे, माय सेल्फ अदरक। सोचते रहे अदरक, नाम तो कुछ भी हो सकता है, देश आजाद है। वैसे आप है कौन? ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ भाई। ये बदलीपुर के बेताज बादशाह प्रिंस है, सिर्फ नाम का। कौन ऐसा? मुझे ऐसा लगा कोई हथियार। और ये हरजीत है, हरजीत ये सबका दिल जीत लेते हैं। वो तो है, इन्होंने हमारी हेल्प करके हम सबका दिल जीत लिया। मां साहब ने जब कहा ना कि गोविंद संपत जी सब पता लगा लेंगे, मेरी तो एकदम हवा ही निकल गई थी सच्ची। और गायत्री जी, वो एक्चुअली सारा प्लान किट्टी का था, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। अरे वो मां साहब ने उस श्रवण को क्या सजा दी वैसे? कोई सजा नहीं मिलेगी। देश इतना आजाद हो गया क्या है? नहीं, क्योंकि मैंने श्रवण को माफ कर दिया इसलिए। मां साहब, मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो प्लीज श्रवण को माफ कर दीजिए। या मां साहब, आप तो जानते हैं ना कि वो दिल का बुरा नहीं है। ओके, तुम अगर ऐसा ही चाहती हो तो फिर ठीक है। श्रवण, करिश्मा के कहने पर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन तुमने जो किया है ना उसका नतीजा कुछ भी हो सकता था। सॉरी सर, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने जो भी किया वो गलत किया। अच्छी बात है जो तुम्हें रियलाइज हुआ, वरना अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनके साथ ऐसा मजाक होता है वो उस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक कदम उठा लेते हैं। सॉरी मैम, एंड थैंक यू। ये दोनों तुम करिश्मा को बोलो। सॉरी करिश्मा, एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स करिश्मा। करिश्मा, थैंक्स। क्या बात है? ऐसे करिश्मा, दिल तो तेरा भी बड़ा है यार, हैं? वैसे यहाँ ना सबसे बड़ा दिल गायत्री का है, बदलीपुर की हीरो। अच्छा, वो कैसे? गायत्री ने अपने भाई का सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। कौन करता है आजकल ऐसा? हाँ, अगर हम इनकी जगह होते तो मैं पता नहीं मैं कर भी पाते या नहीं। है? अरे भाई, तू क्या खड़ा है आज? अब आजा। गायत्री, आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो, ये तुम्हारे लिए। इट्स ओके, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। अरे यार, फिल्म में तो ये भी निकली। हाँ। अच्छा, फ्रेंड्स 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 फ्रेंड। हेलो, मैं भी उस फ्रेंड्स की लाइन में। लग जा, लग जा। ये एक सेल्फी। हाँ, सेल्फी। आजा भाई। मैं भी सेल्फी लूंगा। हम लोग भी सेल्फी खींचते हैं। ओके, कम।
करना चाहिए ना बच्चा। मैं तुम्हें टैग करती हूँ, ठीक है? गायत्री, गायत्री, ये देखो मेरे पास क्या है। क्या? ये मॉडल हंट का रिजल्ट है। तो पता है क्या हुआ? तुम विनर हो इसमें। What? पता है क्यों? क्यों? ये देखो, ये। क्योंकि मैं हूँ कॉन्फिडेंट, फील करती हूँ सबसे ब्यूटीफुल, और मेरा इंटेलिजेंस ही है मेरा चार्म। आई एम द बेस्ट। तुम हो चेहरा आज की लड़की का, ट्रूली गॉर्जियस। कांग्रेट, थैंक्स करिश्मा। और आज की पार्टी मेरी तरफ से। वाह। ये। अच्छा सुनो सुनो, आधा फुल के किस्सों में एक और किस्सा जुड़ गया, वो भी आधा नहीं फुल। मुझे पता है। Don't say thanks to me. I deserve it. दे सजाद है। अदरा, हम तुझे थैंक्स बोल देते, लेकिन क्या है ना, आज मूड सा नहीं हो रहा। Let. किटी जी, ओह वो जरूरी फोन आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा। वैसे आप लोगों के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। सच में पागल हैं सब, आजकल के जमाने में कौन इतना करता है एक दूसरे के लिए। अब समझदारी से कहाँ चलती है दुनिया। अरे पर मैंने आपसे पूछना भूल गई, आप हैं कहाँ से और बदलीपुर में कैसे? बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं चलो, बाय बाय। अरे मॉडल तो उसे बनना ही था, कमी क्या है मेरी पोती में। मैं तो पहले से जानती थी कि वो कुछ जरूर करेगी। अरे बचपन से उसे शौक था मॉडल बनने का। अरे भाई कलर में क्या रखा है, बस आत्मविश्वास होना चाहिए, और उसमें भरपूर है आत्मविश्वास मेरी गुड़िया में। अरे ये देखो आ गई। अच्छा बेटा आ जाइए, यहाँ बैठ जा, बैठ जा मेरे पास बैठ गुड़िया। ये कितनी प्यारी है ना मेरी गुड़िया। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़े जबरदस्त आदमी हैं आप, मजा आया आपसे मिलके। सर मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। तो भाई अब यही सब तामझाम है। जी सर। सर मैं अकाउंट्स के रजिस्टर चेक कर सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये देखो पुराना रजिस्टर है और ये चालू रजिस्टर, देख लो तसल्ली कर लो फिर काम शुरू करो। जी सर। मैं हाँ कमलेश, हाँ सुन रात को किसी को खाने पिला रहा हूँ, जरा अच्छा से कुछ बना लेना। हाँ हाँ ठीक है। और सुन किटी को बोलना अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के तैयार होके बैठे। हाँ हाँ लगता है अपनी एक टेंशन जल्दी दूर होने वाली है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये गोरेपन का फितूर सब पर सवार है। गायत्री की दादी की तरह सब गोरेपन के पीछे पड़े हुए हैं, और जो गोरा नहीं है उसका मजाक उड़ाते हैं। तुम काली हो, तुमसे कौन शादी करेगा, उसको देखो वो कितनी गोरी है, ये कह कह कर बच्चे का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं, और फिर वो बच्चा अपने आप को दूसरों से कम आंकने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। वैसे गायत्री के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। हाँ पहले पहले गायत्री थोड़ा चिढ़ जाती थी ताने देने वालों से, लेकिन बाद में उसने सोच लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसने अपना मनोबल मजबूत बनाया, अपने ऊपर विश्वास रखा, मजाक उड़ाने वालों पर ध्यान नहीं दिया, और फिर देखिए जीत किसकी हुई, गायत्री। जो गायत्री के साथ हुआ अगर वो आपके साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा, आप क्या करेंगे? जो गायत्री के साथ हुआ वो अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आस पास में या फिर आपके स्कूल में हो तो मैं जानना चाहता हूँ आप क्या करेंगे। इसके बारे में सोचिए, गोरा और सांवला सिर्फ रंग है, और हर रंग सुंदर है। इसी सोच के साथ आपको छोड़ जाते हैं, फिलहाल चलते हैं, जल्दी मिलेंगे आधा फुल में, जहाँ हर आधा कदम फुल हो जाएगा।